हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो दोस्तों 24 स्लॉट मधानी मोटर वाइंडिंग का यह स्टेटर है। इस स्टेटर को हम इसके कवर में किस प्रकार सेट करते हैं और इसके कनेक्शनों को किस प्रकार करते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने मधानी मोटर वायरिंग के भाग 1, 2, 3, 4 पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। यह भाग 5 है। तो देखिए दोस्तों, हम एक लोहे की गाड़ की सहायता से इस प्रकार हम स्टेटर को कवर में सेट कर लेते हैं और इसके बैक कवर को लगाकर स्क्रू को अच्छी तरह टाइट कर देते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी मधानी मोटर की सापट अच्छी तरह से घूमने लगी है। अब हम इसके कनेक्शनों को देख लेते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, यह वाइट कलर के जो वायर हैं यह स्टार्टिंग कॉइल के हैं और यह ब्लू कलर के जो वायर हैं यह रनिंग कॉइल के हैं। तो सबसे पहले एक वाइट कलर का वायर और एक ब्लू कलर का वायर आपस में जोड़ लेते हैं, जो कि कॉमन वायर बन जाता है। और एक ब्लू कलर का और वाइट कलर का वायर हम कैपेसिटर वायर में जोड़ देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने वायरों को जोड़ लिया है। यह कैपेसिटर वायर हैं। तो अब हम कॉमन वायर जो कि वाइट कलर और ब्लू कलर से बना है, इसे हम वन वे स्विच में कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम वन वे स्विच में कॉमन वायर को लगाकर इसके स्क्रू को टाइट कर देते हैं। इसके बाद टू वे स्विच में हम कैपेसिटर वायर को लगा देते हैं। टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में हम केबल को लगाते हैं और एक केबल का दूसरा वायर वन वे स्विच में लगा देते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इस स्टैंड को हम मधानी मोटर में लगा लेते हैं। तो यह निशान जो हमने पहले लगाया था, उसी निशान पर इस प्रकार हम लगाकर स्क्रू को कस देते हैं। यह मधानी मोटर का स्टैंड है। इस प्रकार हम तीनों स्क्रूओं को अच्छी तरह कस देते हैं, टाइट कर देते हैं। अब हम इस मधानी मोटर की सापट को लगाकर इसका स्क्रू भी अच्छी तरह टाइट कर देते हैं। तो हमने मधानी मोटर को अच्छी तरह सेट कर लिया है। अब हम इसे सीरीज बोर्ड से टेस्ट करेंगे। तो यह देखिए दोस्तों, हमारी मधानी मोटर अच्छी तरह घूमने लगी है और इसका टू वे स्विच भी सही प्रकार वर्क कर रहा है। तो इस प्रकार हम एक मधानी मोटर वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।